दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लोकल और रिमोट का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा और YouTube में इसके ऊपर आपको बहुत सारा वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर में जितना सारा डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और कोई भी स्टार्टर में बहुत आसान तरीका से आप लोकल और रिमोट का कनेक्शन बना सकते हैं। किस तरह से देखिएगा, जो हम लोगों का MK1 का स्टार्टर है इसी के बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा, तब क्या होगा पूरा एकदम क्लीन आप लोगों को समझ में आएगा और इसको देखने के बाद आप कोई भी स्टार डेल्टा स्टार्टर पे भी कनेक्शन आराम से कर सकते हैं, इसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये हमारा R हो गया, ये हमारा B हो गया, ठीक है। तो RYB सप्लाई हमारा जो MK1 का स्टार्टर है यह कितना देना पड़ता है, यह हमारा 415 वोल्ट AC रहता है, ठीक है। और ये सप्लाई हमारा पहले किस में आता है ना, पहले आपका थर्मल ओवरलोड रिले, जिसको हम लोग OLR भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आने के बाद दोस्तों इस जगह में देखिएगा, जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इसी जगह से और एक पॉइंट आपका बना हुआ रहता है, इसको भी आपको गौर करना है, क्योंकि जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है ये तो आपका 3 पोल का ऊपर में रहता है RYB सप्लाई देने के लिए, लेकिन नीचे तरफ देखिएगा तो आपका 4 पोल हो जाता है। तो ये जो आपका 4 पोल होता है इसी से ही आपका क्या होता है, इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। अभी ये काम किस तरह से करेगा, तो जो हम लोगों को OLR है, जिसको हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले बोलते रहे हैं, तो थर्मल ओवरलोड रिले में देखिएगा एक नंबर भी लिखा हुआ रहता है 96 और 95। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा NC होता है और इसको हम लोग ऑफ PV बोलते हैं। ऑफ PV का मतलब होता है ऑफ वाला पुश बटन, और एक रहता है पुश बटन, वो हमारा कितना रहता है 94 और 93, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा ऑन वाला पुश बटन है, ठीक है। तो इस जगह में बहुत आसान से ऑन PV लिख देंगे। तो अभी इसका कनेक्शन किस तरह से दिया हुआ रहता है, तो ये जो हमारा B वाला फेज है ये हमारा सीधा आ जाता है जो ऑन वाला पुश बटन है इसमें, मतलब 93 में। अभी 94 से आउट होगा तो हमारा किस में जाएगा, 95 में जाएगा। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेम टू सेम नंबर आपको देखते हुए आना है, तभी क्या होगा बहुत आसान से आपका कनेक्शन भी हो जाएगा MK1 के स्टार्टर का। और पूरा जब मैं सर्किट समझाऊंगा कोई भी स्टार्टर में आप बना सकते हैं। तो ये तो हमारा NC पॉइंट है, जब हम इसको बंद करेंगे मतलब जब हम इसको दबाएंगे तो ये हमारा NO होगा, जब NO होगा तो कोई भी सर्किट है वो हमारा बंद होना चाहिए। 96 से एक वायर आउट करेंगे और सीधा लेके आ जाएंगे, किस में लेके आ जाएंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो भी हम लोगों का कॉन्टैक्टर रहता है, कॉन्टैक्टर का जो ए पॉइंट होता है, ए पॉइंट में आपको फेज सप्लाई देना है। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, इसमें हम फेज सप्लाई दे दिए हैं। अभी इसका जो A2 पॉइंट है, A2 में मैं आप लोगों को हमेशा बताया कि न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, लेकिन ये स्टार्टर आपका 415 वोल्ट का है, इस जगह में आपका न्यूट्रल कनेक्शन करने से नहीं चलेगा। लेकिन कब करके देखना है, अगर इस स्टार्टर में आपका कुछ फॉल्ट आया है तब आप 230 वोल्ट से चेक करके देख सकते हैं। तो इस जगह में जो हमारा A2 वाला पॉइंट है इसको सीधा हमको क्या करना है, जो हमारा R वाला सप्लाई है, R वाला सप्लाई के साथ आपको जोड़ देना है, तब क्या होगा अभी देख लेते हैं कि ये हमारा काम किस तरह से कर रहा है। तो जब हम ये ऑन वाला पुश बटन दबाएंगे तब हमारा क्या होगा, कॉइल तक आपका NC के थ्रू सप्लाई आएगा और कॉइल हमारा ऑन होगा, जैसे ही हम छोड़ देंगे तुरंत हमारा बंद हो जाएगा, मतलब ये जो NO पॉइंट है नॉर्मल में NO ही हो जाएगा। अभी इसको होल्डिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको होल्डिंग देने के लिए जो आपका कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ज़्यादातर देखिएगा ये जो कॉन्टैक्टर है इसी जगह में 4 पोल के साथ आपका फिटिंग रहता है और इसी से ही आपका इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। तो ये जो हमारा 3 पोल हो गया, ये हमारा RY और B होता है और यहाँ से हमारा RY और B आउट होता है और मोटर में कनेक्शन हो जाता है। और इस जगह में दोस्तों हमारा और एक पॉइंट बना हुआ रहता है जो NO पॉइंट होता है, इसी से आपको क्या करना है, होल्डिंग सप्लाई देना है। किस तरह से देना है, यहाँ से आपको सीधा फेज लेके आ जाना है, इसमें जो आपका देखिएगा NO पॉइंट है इसमें देना है और यहाँ से आपको एक वायर आउट करके इस जगह में दिया हुआ रहता है। तो आपको तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला चीज़ क्या होता है, यहाँ तक आपको दिखाई देगा, ये वाला चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा,
क्योंकि ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है इसको जब आप तोड़ के देखिएगा तब सारा चीज़ दिखाई देगा कि किस तरह से हमारा थर्मल ओवरलोड रिले में बना हुआ रहता है। ये जो फेज है इसी के साथ आपका बना हुआ रहता है, तभी आपका फोर पोल बनता है और इस जगह में आपका शॉर्ट सर्किट भी नहीं होना चाहिए। एक ही फेज से आपका करना पड़ेगा टोटल वायरिंग, नहीं तो अगर दो फेज से अगर वायरिंग होता तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो एक ही फेज से देखिए टोटल आपका कंट्रोल वाला वायरिंग बना हुआ है और A2 जो है A2 में डायरेक्ट जो हमारा R वाला सप्लाई है ये आ गया, तो किसी भी हाल में आपका शॉर्ट सर्किट होगा नहीं। अभी इसी कनेक्शन को हम लोगों को क्या करना है, एक हमारा रिमोट वाला भी स्विच बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, तो रिमोट के लिए हमारा और एक क्या चाहिए, ये हमारा हो गया ऑन वाला PB, ठीक है। तो ये हमारा ऑन वाला पुश बटन हो गया और ये हमारा ऑफ वाला पुश बटन हो गया, ठीक है। तो जो हम लोगों का MK1 का स्टार्टर रहे या दूसरा कोई भी स्टार्टर रहे, स्टार्टर जहाँ पे आपका बैठा हुआ रहेगा इसको हम लोग लोकल बोलते हैं और जो बाहर में बैठा हुआ रहता है इसको हम लोग रिमोट बोलते हैं, बहुत आसान तरीका से। अभी ये जो आपका फेज सप्लाई आ रहा था अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए कि को लूप लगा हुआ रहता है, इसी को आपको पहले लूप टोई खोलना है, खोल के इस जगह में आपको लगाना है बहुत आसान तरीका से। अभी क्या करना है, इस जगह में जो आपको फेज सप्लाई देना पड़ेगा तभी क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर तो यहाँ तक तो आपको फेज सप्लाई लाना है ना, काहे कि यहाँ से तो आप खोल दिए हैं, अभी तो किसी भी हाल में यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, इसको हम कितनों भी दबा लेंगे। तो बहुत आसान तरीके से दोस्तों इस जगह में आपको क्या करना है, फेज सप्लाई ला के NO वाला पुश बटन में देना है। और ज़्यादातर देखिएगा जहाँ भी आपका लोकल और रिमोट बना हुआ रहता है इस जगह में आपका 3 कोर का ही केबल रहता है। और एक चीज़ आपको मिला के देखना है कि जो आपका 3 कोर का केबल है कोई कोई जगह में देखिएगा 4 कोर का कोई कोई केबल लगा देता है, ये भी मैं देखा हूँ। जो मान लीजिए कि क्लीन जिसको समझ में नहीं आता है वो 4 कोर का लगा देता है और जिसको क्लीन समझ में आता है वो 3 कोर का केबल लगाता है। तो ये जो केबल में ये लूप दिया हूँ ये भी आपका 1 केबल हो गया, ठीक है। और अभी हमको दूसरा केबल चाहिए, तो दूसरा केबल देने से पहले ये जो हमारा और एक पॉइंट है इसमें से एक वायर आपको लेना है, काहे का आपका इस जगह में लूप बना हुआ था, जैसा बना हुआ था सेम टू सेम ये जो रिमोट वाला है इस पर भी आपको बनाना है। तो यहाँ से हम एक वायर आउट करेंगे, आउट करके सीधा किस में देंगे, ये जो NO पॉइंट है इसमें दे देंगे, तो मेरा सेम टू सेम हो गया। इस जगह में हमारा जैसे बना हुआ था सेम टू सेम उठा के इस जगह में बैठा दिए, बस यहाँ तक हमको सप्लाई ला के सिर्फ दे देना है। किसके थ्रू लाना है, जैसे आपका बना हुआ था यहीं से आपका एक वायर दिया हुआ था, इसी वायर को फिर खींच के लेके आएंगे। कहाँ तक लेके आएंगे, सीधा आपका जिस जगह में आपका लगा हुआ था एकदम सेम टू सेम इसी जगह में आपको ला के दे देना है। देखिएगा अभी किस तरह से आपको समझना है कि 3 वायर हम लगा दिए, ये हमारा 1 नंबर वायर मान लीजिए, ये हमारा 2 नंबर, ये हमारा 3 नंबर। तो 3 कोर का केबल में ऑटोमेटिकली बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, इसमें 4 कोर का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये स्टार्टर हमारा काम किस तरह से करेगा वो भी देख लेते हैं। जब हम ये लोकल से ऑन करेंगे तो ये जो हमारा ऑन वाला पुश बटन है ये हमारा NC बनेगा। जब आपका NC बनेगा तो यहाँ पे आपका फेज सप्लाई आउट होगा, जब आपका फेज सप्लाई आउट होगा सीधा इसके थ्रू आते इस जगह में आएगा। इस जगह में आपका दोनों वायर को एक साथ में टाइट किया हुआ है NO के पास, सीधा यहाँ आएगा, NC के थ्रू होते हुए सीधा आपका A1 तक पहुँचेगा। और ये जो हमारा होल्डिंग सप्लाई है, होल्डिंग सप्लाई का भी सर्किट आपको समझना है कि जब हमारा ये NO पॉइंट है, NO पॉइंट NC होगा तो सीधा यहाँ से फेज सप्लाई होते हुए इसी से ही घूमते हुए आ रहा है। अभी मान लीजिए कि आपको ये रिमोट से बंद करना है, उस टाइम क्या करना पड़ेगा कि जो आपका ये होल्डिंग सप्लाई मान लीजिए इस वायर से ही जा रहा था, जब आप दबाए हैं उस टाइम भी आपका काम कर रहा था, तो जब आप इसको दबा दीजिएगा तब क्या होगा, इस जगह में आपका सर्किट ओपन हो जाएगा, मतलब ये जो NC पॉइंट है यह हमारा NO हो जाएगा और यहाँ से हमारा फेज सप्लाई किसी भी हाल में कॉइल तक नहीं पहुँचेगा। कॉइल तक नहीं पहुँचेगा तो हमारा ऑटोमेटिकली जो MK1 का स्टार्टर है ये बंद हो जाएगा। और जब आप लोकल से बंद कीजिएगा तो ये तो हमारा ऑन वाला हो गया, जब आपको लोकल से बंद भी करना है तो
इस जगह से आप बहुत आसान तरीके से जैसे आप इसको दबाइएगा A1 का कॉइल में सप्लाई नहीं आएगा और बंद हो जाएगा। तो बंद जब आपको करना होगा तब आप लोकल से भी कर सकते हैं और रिमोट से भी कर सकते हैं। ये सर्किट तो आपको क्लियर समझ में आ गया। पहले दोस्तों क्या होता है, हम लोग को बंद करने के बारे में सोचना पड़ता है। जब आप कोई भी स्टार्टर में बंद करने के बारे में सोच लीजिएगा तो कोई भी स्टार्टर का बहुत आसान तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। अभी रिमोट से किस तरह से हमारा काम करेगा, वही सेम टू सेम प्रोसेस। ये जो ऑन वाला पुश बटन है इसको जब हम दबाएंगे तो हमारा फेस सप्लाई NC के थ्रू होते हुए किस में आएगा, A1 का कॉइल में आएगा, ठीक है। और जो होल्डिंग सप्लाई है इस जगह से तो आपको मिल ही रहा है, ये जो एनो पॉइंट ये NC बन जाएगा और यहाँ से होते हुए आपका होल्डिंग सप्लाई भी आ जाएगा। मतलब कॉन्टिन्यू सप्लाई मिलने से मतलब है ये जब भी एनो पॉइंट NC बनेगा तब। अभी ये हमारा ऑन भी हो रहा है और ऑफ भी हो रहा है। अगर इसके ऊपर आपको कुछ भी डाउट है तो हमसे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अभी दोस्तों मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है आकाश, आप लोगों को प्रैक्टिकल में करके दिखाएगा और प्रैक्टिकल में समझाएगा तो क्या होगा और इसके ऊपर जो भी डाउट है सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग भी प्रैक्टिकल वीडियो हमको सेंड कीजिएगा तो मैं अपना यूट्यूब चैनल में डाल के मेरा जितना सारा फ्रेंड है सबको मैं समझा दूंगा जिस तरह से मैं इस वीडियो में ऑलरेडी समझाया हूँ। तो ये वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि हमारा केवल स्टील प्लांट का फ्रेंड ही देखेगा, इस ग्रुप इस यूट्यूब चैनल में बहुत सारा दोस्त जुड़े हुए हैं जो अभी काम सीखना चाहते हैं और जो पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है। ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा उन लोगों को जितने के लिए। और प्रैक्टिकल में वहाँ जब थ्योरी करके आएंगे तो वहाँ उनके पास सामान अवेलेबल नहीं रह पाता है इसलिए सीख नहीं पाते हैं। तो हम लोग सोचे हैं कि ऐसा ही छोटा छोटा वीडियो डाल करके उन लोगों को भी सहयोग मिल जाएगा और हमारे स्टील प्लांट में जितना भी भाई दोस्त लोग हैं उनको अगर काम नहीं पता है इस सब के बारे में तो उनको भी नॉलेज हो जाएगा। ये जानकारी अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रिशियन से पूछिएगा तो नहीं बताएगा आपको, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं बताता था कोई, अब नहीं बताता था भाई। तो हम लोग सीखे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम लोग अब नहीं चाहते हैं कि कोई नया लड़का है तो उसको भी टाइम लगे। अब हम लोगों को इतना टाइम वेस्ट करें तो मज़ा नहीं आए। प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि ये हमारा DOL स्टार्टर है, इसका आज कंट्रोल वायरिंग करना बताएंगे कैसे होता है कंट्रोल वायरिंग और फेस वायरिंग, और इसमें मोटर कैसे चलाते हैं हम 3 फेज। अब देखिए ये हमारा रिले है और ये हमारा कंडक्टर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कंडक्टर है और ये जो है ये हमारा कंडक्टर का क्वाइल। अब इसका हम कंट्रोल वायरिंग करते हैं। देखिए ये हमारा NC पुश बटन है और ये हमारा NO पुश बटन। NC का मतलब बोले तो ये देखिए यहाँ हमारा NC के मतलब इससे बंद कर सकते हैं, ठीक है, और इससे चालू करते हैं। यहाँ एक अलग फेस से लेंगे और ये जो डायरेक्ट है वो हम यहाँ डाल दिए हैं, जैसे न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं वैसे ही एक फेस डायरेक्ट क्वाइल में जाएगा हमारा। और एक फेस का कंट्रोल करना है एक फेस से ही, तो यहाँ से एक फेस से उठाए और NC के इन में डाल दिए, NC के इन में डाल दिए और इसको बढ़िया से टाइट करेंगे, दूध नहीं छोड़ना है इसको, ठीक है। एक कनेक्शन हो गया है और फिर अब इसके आउटपुट से NC के आउटपुट से जो एक तार निकलेगा, यहाँ भी खाली है और एक तीनों खाली है। अब इसका कनेक्शन यहाँ से एक तार को लेंगे ऐसे, फिर एक अब खाली और फिर अब यहाँ से इस तार को एक कनेक्शन करेंगे, यहाँ से जो निकालेंगे इसको बढ़िया से टाइट करेंगे और इसके क्वाइल में डाल देंगे हम। हो गया, अब ये तो टाइट कर दिए बढ़िया से। अब यहाँ अब काम करेंगे, अगर इसमें हम 3 फेज देंगे और इसको चालू करेंगे, चालू भी होगा लेकिन जब तक हम इस बटन को दबा के रखेंगे चालू वाला बटन को तब तक चालू रहेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। अब इसको रोकने के लिए हमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, एक तार को इसमें टाइट करेंगे और एक को इसमें डाल देंगे, यहाँ पे जो NO पॉइंट रहता है वो कंडक्टर होल्डिंग करने का भी काम आता है। जैसे हमारा कंडक्टर ऑन होगा तो NC होगा और फिर कंडक्टर को ऑपरेट करके रखेंगे, यहाँ पे
ये हो गया हमारा स्टार्टर का कंट्रोल वाली। अब ये चालू इसको फिर से करेंगे इसको हम, अब मैं आपको चालू करके इसको बताते हैं कि कैसे काम करेगा और कैसे अपडेट हो रहा है और कैसे छोड़ रहा है। और ये देखिए रेड वाला जो है वो एम्पियर से करने वाला है रिले में, इसको हम कैसे रिले को सेटिंग करेंगे। हमारा जैसे कि 3 HP का मोटर है, ये पंखा के लिए मोटर स्टार्टर लगा हुआ है 3 HP का मोटर का, इसका सेटिंग हम किस हिसाब से करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं, फिर 3 फेज का कनेक्शन। तो देखिए हम यहाँ RYB का कनेक्शन कर दिए, जो फेस आ रहा है हमारा, एक फेस आ रहा है क्योंकि यहाँ जो MCB लगा हुआ है अभी बंद है। अब बंद है MCB मेरा बंद है और यहाँ से हम सप्लाई ले लिए हैं। अब देखिए चालू करके देखते हैं इसको सप्लाई, देखिए टेस्टर से चेक कर रहे हैं, इसमें भी सप्लाई आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम चालू करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये तो हमारा NC पुश बटन है, NO पुश बटन को दबाते रहिए। चालू हो गया, अरे बंद हो गया, एक चालू हो गया, अरे बंद हो गया, एक चालू हो गया, बंद हो गया। ऐसा ही ऊपर से भी अगर लगा भी देंगे इसमें ढक्कन, ऊपर से अगर लगा कर देखिए, आवाज़ आ रहा है, चालू हो गया है, बंद हो गया, चालू है। हमारा है मोटर का तार, जो पंखा कनेक्शन करेंगे वो मोटर का तार है। इसको देखिए आप मोटर चेक कैसे करते हैं, हाँ देखिए ये मल्टीमीटर में देखिए ये बता रहा है 8.0 बता रहा है, ये ठीक है। और इसमें फिर चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे वो फिर उतना ही वैल्यू आ रहा है, ये मोटर सही है। और एक और चेकिंग होता है वो बॉडी से चेक करते हैं, वहाँ चेक कर लिए वहाँ भी सही है। अब इसको हम कनेक्शन करेंगे इसमें, स्टार्टर में कनेक्शन करते हैं। देखिए अब ये मोटर का कनेक्शन हम यहाँ कनेक्शन कर दिए हैं, ये RYB और यहाँ से चेंज करता है RYB, ठीक है। अब इसको हम टाइट में कर लेते हैं कि कंडक्टर हमारा ऑपरेट हो, दिक्कत ना करें। देखते हैं पहले कि पंखा चल रहा है, हम देखेंगे कि अब यहाँ से हमारा MCB भी ऑन है, स्टार्टर पूरा ओके है, अब यहाँ हमारा सही सही वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखिए अब 415 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ 411 वोल्ट आ रहा है AC सप्लाई में, इधर से देखिएगा। देखिए यहाँ 415 वोल्ट बता रहा है मल्टीमीटर में, और इसमें भी जैसे वहाँ सेट कर रहे हैं और दूसरा तरफ इधर ऊपर दिखाई देता हूँ, इसमें भी अगर लगाएंगे तो 415 वोल्ट आएगा। देखिए नीचे मल्टीमीटर में अब हमारा ओके हो गया है। अब हम पंखा को चालू करते हैं यहाँ से दोस्तों, ये पंखा मेरा पूरा चालू हो गया है। रिमोट का कनेक्शन कैसे करते हैं, अगर हमको स्टार्टर को यहाँ से भी चलाना है तो यहाँ से भी चलेगा, और कहीं दूसरे जगह से भी चलाना है वहाँ से भी चलेगा। दोस्तों आइए इसके बारे में आज हम बताएंगे पूरा डिटेल में। लूप दिए थे इसे यहाँ से यहाँ तक, उसको आज हटा दिए हैं, और उसी को हटाने के बाद मैं आज कनेक्शन करूँगा रिमोट से, वो देखिए कैसे। चलिए मैं रिमोट बताता हूँ आज, रिमोट मेरा कहाँ पे है। देखिए दोस्तों ये हमारा रिमोट का है, पुश बटन है, यहीं से हम चालू और बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से अगर यहाँ नहीं लगाया रहता है पुश बटन, तो फिर यहाँ से अगर चालू करने वहाँ हमारा पैनल है देखिए उतना दूर पे है, और ये कन्वेयर को चलाना रहता है यहीं से बैठ कर चलाता है। क्रेशर का मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, क्रेशर के DOL स्टार्टर में के बता कैसे मतलब कि काम करता है, यहाँ से भी काम करेगा हमारा और वहाँ स्टार्टर के पास से भी काम करेगा दोस्तों। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये हमारा NC पुश बटन है, जो रेड कलर का है वो हमारा NC पुश बटन है, और ये हमारा NO पुश बटन है। इधर देख लीजिए, जो रेड वाला है हमारा रेड है, और हरा वाला है जो यहाँ हरा वाला है, यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है दोस्तों। अब इसका NC है, NC का पूरा नाम होता है नॉर्मल क्लोज, और NO का नाम होता है नॉर्मल ओपन। ये अपने अभी ये नॉर्मल स्थिति में ये अभी क्लोज है, पूरा मतलब कि बंद है, यहाँ से सप्लाई अगर इधर देंगे तो इधर निकलेगा, और ये NO है जो अगर सप्लाई इधर से देंगे तो बाहर आउट नहीं करेगा, यही होता है। और इसका कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों, मैं अभी वहाँ स्टार्टर के पास जाकर बताता हूँ दोस्तों। अभी देखिए यहाँ का जो है
ये हमारा रिमोट का वो जो वहाँ तीन तार देखे थे, तीन वायर देखे, तो दोस्तों ये रेड वाले वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा ए वी एन सी है नॉर्मल क्लोज, और ये जो तार जा रहा है वो भी एन सी में जा रहा है, क्योंकि जब भी हम एन सी का कनेक्शन करते हैं तो हम सीरीज में करते हैं, जैसे यहाँ से आया और यहाँ आउट हुआ, फिर ये तार जाके वो दूसरे में होगा, दूसरे एन सी के इनपुट में जाएगा, फिर वहाँ से जो आउट होगा वो देखिए वो आउट हो रहा था वो एन सी में, जो यहाँ हम कर रहे थे जो लूपिंग, जो इस टर्मिनल से यहाँ तक लूपिंग कर रहे थे, वो अब यहाँ नहीं करके हम वहाँ पे किए हैं रिमोट में, और यहाँ पे अभी हम बताएंगे कि देखिए अब ये जो ब्लैक वाला तार है वो बीच में था, वो होल्डिंग का काम करता है, वहाँ से वो बटन, अगर ये दो ही तार लगाएंगे तो वहाँ से तो हरा बटन दबाते, ये वाला बटन अगर वहाँ पे हरा बटन दबाते तो चलता, लेकिन चालू नहीं रह पाता, और यहाँ और जैसे ही छोड़ता है इस बटन को तो अपने कट जाता, इसको दबाने का ज़रूरत नहीं था। अब उसी के लिए मैं एक तार और यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दोस्तों अब बच गए जो पीला वाला वायर था वो हमारा, उसमें हरा वाला में जुड़े थे, ये हमारा इनो का वायर हो गया। इनो का हम लोग जब भी कनेक्शन करते हैं तो उसका पैरेलल में करते हैं, जैसे कि देखिएगा एक साइड में हमारा काला वाला तार जो है वो इनो के उस साइड लगा हुआ है, जो लूपिंग किया हुआ है, यहाँ से यहाँ जब लूपिंग किया है इनो एनसी को, तो वो काला वाला आउटपुट एक तरफ लगा हुआ है और एक तरफ पे पीला वाला लगा हुआ है। दोस्तों अब ये हो गया हमारा पूरा इसका रिमोट कंट्रोल वायरिंग, अब यहाँ से भी चालू कर सकते हैं और वहाँ से भी चालू कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं चालू करके अभी प्रैक्टिकल में बताऊंगा आप लोगों को कि चालू होता है और काम कैसे कर रहा है। दोस्तों देखिए ये हमारा चालू हो चुका है और ये हमारा बेल्ट भी घूम रहा है, देखिए कन्वेयर का बेल्ट चल रहा है बढ़िया से, सब चीज़ ओके है, और इधर भी स्टार्टर ऑन है, अब इसको बंद करते हैं, बंद हो गया, ये हमारा बेल्ट भी बंद हो गया देख रहे हैं। अब यहाँ से चालू करके दिखाता हूँ कि सही में यहाँ से अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि फोर्स वीडियो है कि कैसे है। अभी देखिए यहाँ से चालू करते हैं, चालू हो गया देख रहे हैं ऑटोमेटिक, यहाँ से भी चालू हो गया, मैं यहाँ से अब चालू है, अभी यहाँ मैं देखिए बंद करूँगा, बंद हो गया देख रहे हैं। अब इसको बढ़िया से टाइट कर देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाता रहता हूं और जितना हो सके मैं आप लोगों का हेल्प करता हूं। और दोस्तों आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।